ब्रेकफास्ट अगर ऐसा हो जिसे खा के दिन बन जाए तो क्या ही बात है। तो दोस्तों आज मैं आप सबके लिए सुबह की भागदौड़ में फटाफट से बनने वाला बहुत ही क्रिस्पी करारा नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे खा के दिन बन जाएगा और बहुत ही मजा आ जाएगा इसको खा के, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, प्रोटीन रिच है और साथ ही साथ आपको बच्चों बड़ों सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है ये, आप इसको नाश्ते में बना लीजिए, शाम को बना लीजिए, लंच में बना लीजिए, कभी भी बना के खाइए। बट ये जो रेसिपी है ना, आप कभी भी बना के खाओ, गर्म गर्म एकदम कुरकुरा करारा नाश्ता बन के तैयार होता है। तो हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं स्मृति। आज की रेसिपी बहुत ही खास है क्योंकि हम बना रहे हैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मूंगलेट की रेसिपी। अगर आपने कभी स्ट्रीट स्टाइल मूंगलेट खाना खाया है तो आज मैं बिल्कुल वैसा ही आपको घर पे मूंगलेट बनाना बता रही हूँ, जिसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और आप सब जब बना के खाओगे ना दम स्ट्रीट स्टाइल मेरे तरीके से, तो बहुत ही ज्यादा मजेदार लगेगी, क्रिस्पी लगेगी। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे मूंग लिए है, ये येलो वाली मूंग दाल जो होती है ना, स्प्लिट येलो मूंग दाल, ये हमें 1 कप लेनी है। और इसके साथ ही हमें यहाँ पे 2 बड़े चम्मच लेना है उड़द की दाल। तो जनरली मूंगलेट जो होती है उसमें सिर्फ जो पीली वाली मूंग होती है उसी का यूज होता है, बट यहाँ पे मैंने दोनों दालें ली हैं, बस 2 बड़े चम्मच के हमें सफेद उड़द की दाल लेनी है। इससे क्या है ना कि फर्मेंटेशन जो है बहुत बढ़िया बनता है और आप मूंगलेट में डाल के देखना, एकदम बढ़िया बनती है। तो देखिए, दोनों को दालों को ना हमें भिगो लेना है 3-4 घंटे के लिए अच्छे से धो के, और उसके बाद हमें इसको यहाँ पे भिगोने के बाद इसको पीसना है। तो इस तरीके से जितना कम हो सके पानी डालिएगा और फिर इसका इस तरीके से पेस्ट तैयार कर लीजिएगा। तो अभी आप इसका कलर देख सकते हैं, अभी इसका कलर कितना डार्क है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं और हमारी लाइव वीडियो आप कौन से शहर से, दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं, हमें ये भी जरूर बताइएगा। तो देखिए, दाल पीसने के बाद इसका कलर कैसा था, और अभी दाल यहाँ पे हमने पीसने के बाद यहाँ पे बढ़िया तरीके से फेंटा है इसको। आप जितना बढ़िया फेंटोगे ना उतना बढ़िया आपका ये क्रिस्पी करारा मूंगलेट बन के तैयार होगा, बढ़िया सा टेक्सचर आएगा। बाजार वाले तो क्या करते हैं कि बहुत सारा इनो सोडा वगैरह डाल देते हैं, बट हम वैसा नहीं करेंगे। हम इसको बढ़िया तरीके से करीबन 5-6 मिनट आप इसको ना विस्कर से इसी तरीके से चलाते हुए फेंट लेना, और फेंटने के बाद आपको इस तरीके का टेक्सचर रखना है इसका, ये देखिए। और जरूरत के हिसाब से हम इसमें अभी पानी ऐड करते जाएंगे। तो थोड़ा सा पानी मैं अभी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ क्योंकि अभी ये बहुत गाढ़ा है। तो अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी, कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें इसकी। बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं, बहुत ज्यादा पतला नहीं, ऐसा होना चाहिए। रंजना जी जुड़ी हैं, राधे राधे आपको, नीरू जी जुड़ी हैं, जय श्री कृष्ण आपको। तो वीकेंड स्पेशल आप सब ने आज क्या बनाया मुझे ये भी कमेंट में लिख के बताइएगा। और वीकेंड स्पेशल ही आज मैं ये खास रेसिपी लेके आई हूँ मूंगलेट की, और वो भी एकदम स्ट्रीट स्टाइल। तो आप सब एक बार बना के जरूर देखना मेरे तरीके से। तो देखिए, ऐसा इसका टेक्सचर होना चाहिए, ना ही ज्यादा गाढ़ा है ना ही ज्यादा पतला है। अब इसमें हम बाकी सारे मसाले वगैरह ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। बस पीसने के बाद मैंने जो पीसने का प्रोसेस है ना दोस्तों, वो पहले कर लिया था क्योंकि लाइव वीडियो है। तो पीसने के बाद जैसे मैंने आपको ट्रिप बताई है कि आपको इसको अच्छे से फेंट लेना है 3-4 मिनट, और क्योंकि हमने इसमें उड़द दाल का भी यूज किया है 2 चम्मच, तो बहुत बढ़िया तरीके से फर्मेंट हो जाता है। नमक डाला है मैंने, साबुत जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी हींग डालेंगे, थोड़ी सी हम यहाँ पे अजवाइन डाल देंगे, इससे बढ़िया फ्लेवर आता है। थोड़ी सी डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डाली हूँ बस 2-3 चुटकी जितना धनिया पाउडर, और बस यही बेसिक से मसाले जाते हैं। और कुछ सब्जियां डालेंगे इसमें,
तो वो सब्जियां मैं आपको अभी दिखाऊंगी, जो भी सीजनल आपकी पसंद के ऊपर है, जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हो। तो देखिए इस तरीके का हमें घोल बना के तैयार कर लेना है। और सब्जियों में मैंने यहाँ पे लिया है बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, कॉर्न लिया है, और ये अमेरिकन स्वीट कॉर्न है, और साथ ही में बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। तो ये सब्जियां हम इसमें मिक्स नहीं करेंगे, और लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा सोडा डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम घोल तैयार करेंगे, और फिर हम जो है ना उसको आपको पका के दिखाएंगे। तो घोल भी जो होता है ना बहुत बेसिक सा होता है, बहुत ज्यादा चीजें इसमें नहीं डाली जाती हैं। तो अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था यहाँ पे मूंगली डालते हुए और देखिए ये बढ़िया तरीके से सिक रहा है यहाँ पे। अब हम इसको एक बार ना पलट लेते हैं, और एकदम धीमी आंच पे देखिए हमने इसको अच्छे से फेटा है, कितना बढ़िया ये फूल के तैयार हुआ है। इसको हम प्लेट के दूसरी साइड से भी फेंक लेंगे। एकदम क्रिस्पी करारा बनता है ये, और बहुत ही ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट लगता है। अब इधर जो है ना हम एक दूसरा बॉल ले लेंगे, और इसमें से हम जो घोल है वो हम निकाल लेंगे। तो जितना आपको एक बार में पैन में डालना है ना उतना घोल आप निकाल के बना लीजिए। पहले से आप सारे में सब्जियां और सोडा वगैरह डाल देंगे ना तो वो फिर खराब होने लग जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे निकाल लिया है। अब जरूरत के हिसाब से मैं इसमें सब्जियां ऐड कर दूंगी। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा प्याज ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ, और थोड़ी सी हम डाल देंगे यहाँ पे कॉर्न। और इन सबको हमें अच्छे से मिला लेना है, और सोडा भी बस हम एक चुटकी ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसको अच्छे से फेंटा है ना, तो बहुत बढ़िया एकदम फुला फुला ही बनता है ये। अगर आप सोडा इनो नहीं भी डालेंगे ना तो भी ये एकदम लाजवाब बनता है, एकदम फुला फुला बनता है। बस मैं एक चुटकी जितना ऐड करूंगी। देखिए सब्जियां डाल के हमें इस तरीके से अच्छे से मिला लेना है। और देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सिमी जी जुड़ी हैं, ग्रेट डे लिख रही हैं, थैंक यू सिमी जी, आपको भी ग्रेट डे। कविता जी जुड़ी हैं, थैंक यू आपका, जय श्री जीन मैया की। तो आप सब दोस्तों ये रेसिपी अच्छी लग रही हो वीकेंड स्पेशल मूंगलेट की, तो आप सब इसको अपने दोस्तों घर वालों के साथ भी जरूर शेयर करना, यकीनन उनको भी बेहद पसंद आएगा। तो चलिए मैं आपको अब दिखाती हूँ इससे हमें मूंगलेट जो है वो कैसे बना के तैयार करनी है। पहले हम इसमें थोड़ा सा एक चुटकी ना सोडा डाल देंगे, बस देखिए मैंने एक चुटकी जितना डाला है, और ऊपर से हम थोड़ा सा इसके पानी डाल देंगे जिससे सोडा जो है ना वो जल्दी से एक्टिवेट हो जाता है। और बस सोडा डाल के हमें इसको मिक्स कर लेना है। तो एकदम डालते समय में आपको यहाँ पे सोडा ऐड करना है, पहले से सोडा ऐड ना करें। और इस तरीके से देखिए हमने तैयार कर लिया है। अब हमने जो मूंगलेट यहाँ पे सिकने को रखा है उसे हम देख लेते हैं। तो इसके ऊपर से भी मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग की है जिससे ये दिखने में बिल्कुल बढ़िया सा दिखता है और सुंदर सा लगता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या इसके ऊपर डाला है। अभी हम इस पे हल्का सा कट लगा रहे हैं। तो अगर आपने कभी स्ट्रीट स्टाइल मूंगलेट खाया है ना तो इसी तरीके से इसको बनाया जाता है, और ऊपर से इसके बटर डाला जाता है जैसे हमने इस पे कट लगाया है ना
उसमें बटर डाला जाता है, बट मैंने बटर की जगह पे यहाँ पे घी का यूज किया है। घर पे बना रहे हो आप तो आप इसको एकदम हेल्दी तरीके से बना सकते हो, जरूरत नहीं है कि आप बटर का ही यूज करें। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कैसा लग रहा है एकदम क्रिस्पी करारा हमारा मूंगलेट। तो अभी मैं आपको डाल के दिखा दूंगी कैसे हमें इसको सेकना है और कौन कौन सी सब्जियां हमें इसके ऊपर ऐड करनी है। मोहिनी जी पूछ रही हैं क्या बन रहा है। मोहिनी जी हम यहाँ पे बना रहे हैं एकदम क्रिस्पी करारा स्ट्रीट स्टाइल मूंगलेट की रेसिपी, जो कि एक बहुत ही हेल्दी प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट की रेसिपी है, तो एक बार ट्राई करना तो बनता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों मैंने पहले से एक बना के रखा हुआ है और एकदम कुरकुरा क्रिस्पी बनता है ये। इसको हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। अब जो हमारा पैन है वो खाली हो गया है, इसमें हम आपको जो हमने ये घोल बनाया है ना ये अभी आपको डाल के दिखाते हैं। एक बार जो पैन है ना उसको मैं थोड़ा सा वाइप कर लूंगी। तो इस तरीके के छोटे पैन में जैसे आप चाहे बना सकते हो, तवे के ऊपर भी आप इसको बना सकते हो, बस इस तरीके के पैन में ही मूंगलेट बनाया जाता है। तो पैन में को अच्छे से गर्म कर लेना है, आपको बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो मैं फ्लेम को बंद कर दिया है। और इससे आप घी डाल लें रीमा जी जुड़ी हैं, यमी लिख रही हैं, मोहिनी जी लिख रही है कल ही ट्राई करूंगी। जी बिल्कुल आप इसको बड़ी आसानी से बना सकते हो, मूंग दाल का बनता है ये और एकदम प्रोटीन रिच होता है। अब देखिए इस तरीके से हमें ये जो हमने घोल बनाया है ना सब्जियों और मूंग दाल का, वो हमें इस तरीके से फैलाते हुए डालना है। तो जितना एक बार में आ जाए दो तीन करछी उतना आप फैला के डाल दीजिए। और अब इसके ऊपर से हमें कुछ सब्जियां डालनी हैं गार्निश करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पतले पतले ना एकदम चुकंदर काट के रखे हैं और ये ग्रीन चिलीज है जिसको मैंने बीज निकाल के इसके पतले पतले स्लाइसेस कर लिए थे और थोड़े से मैंने अदरक के लच्छे भी काट रखे हैं। तब इसके ऊपर इस तरीके से हम चुकंदर लगा देंगे। तो सिंपल इस तरीके से आप चीला वगैरह तो बनाते होंगे, पर आप इस तरीके से आप इसके ऊपर गार्निश करोगे डेकोरेट करोगे ना तो बहुत बढ़िया लगता है। बच्चे अगर नहीं खाते तो वो भी मांग मांग कर खाएंगे। तो इस तरीके से ग्रीन चिली भी डाल देंगे और थोड़े से हम अदरक के लच्छे भी डाल देंगे। और इसको अभी हमें सीखने देना है, तो आराम से इसको सीखने में ना 4-5 मिनट का टाइम लग जाता है पूरी दोनों तरफ से सीखने में। अगर आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे सेकोगे ना तो ही ये क्रिस्पी बनता है, अगर तेज पे सेकोगे तो ये कच्चा रह जाएगा अंदर से और क्रिस्पी करारा नहीं बनेगा। तो इसलिए आप इसको ढक दीजिए और इसको आप मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसको एक तरफ से सीखने दीजिए। जब एक तरफ से सीख जाएगा तभी हम इसको पलट के दूसरी तरफ से सेकेंगे। तो आइए जो मैंने अभी आपको दिखा बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप इसको सर्व करने के लिए जब तक हमारा ये मूंगलेट तैयार हो रहा है बन रहा है, तो अभी देखिए अभी अभी मैंने एकदम क्रिस्पी करा रहा है ये मूंगलेट बना के तैयार किया है और लग रहा है ना एकदम स्ट्रीट स्टाइल। और घर में बना हुआ आप सभी को पता है कितना ज़्यादा हाइजेनिक होता है और कितना ज़्यादा हेल्दी होता है। तो आप सब जरूर बनाना इस रेसिपी से मूंगलेट को, और कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आप सब इसको हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए या फिर आप इसको मेरी बताई हुई चुकंदर की चटनी के साथ सर्व कर सकते हो, जिसकी लाइव वीडियो मैंने शेयर की थी। और ये चुकंदर की चटनी ना हेल्दी भी होती है और बहुत ज़्यादा यमी लगती है। हरी चटनी तो आप बहुत खाते होगे,
बट आप एक बार इस तरीके से आप चुकंदर की चटनी भी बना के जरूर देखना, सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो देखिए इस तरीके से इसको अब जैसे खाना हो इसको आप तोड़ के, जैसे हमने कट लगाया था, और फिर आप इसको ग्रीन चटनी के साथ इस तरीके से खाइए, सबको बहुत ज़्यादा लाजवाब लगेगी। और इधर जो हमने मुंगलेट रखा है ना पकने को, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ टर्न करके कैसे हमें इसको सेकना है। धर्मिष्ठा जी जुड़ी हैं, लिख रही हैं कि मैंने अभी ज्वाइन किया है, लंदन से देखती हूँ। थैंक यू धर्मिष्ठा जी। तो मैंने आपको मोटा मोटा दिखा दिया था कि कैसे हमें इसको सेकना है, बस मैं आपको एक बार टर्न करके दिखा दूंगी। और साइड से देखिए हम इसके ऊपर से थोड़ा सा घी डाल देंगे। और आप देखेंगे खुद ही ना ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है पैन में, खुद ही इसके कॉर्नर्स जो है ना वो छूट जाते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं होती है इसको बनाने में। देखिए इसको हम पलट लेंगे। नीरू जी यमी लिख रही हैं, थैंक यू। आर्यन पटेल जी लिख रहे हैं वेरी कलरफुल, थैंक यू आपका। थैंक यू दोस्तों आप सबका प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। तो सेकने का तरीका यही होता है, अगर आपको क्रिस्पी करारा सेकना है ना तो आपको इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे धीरे धीरे सेकने देना है। और ऊपर का पार्ट आप देख सकते हैं कितना करारा हो गया है ये, और खाने में तो ये बिल्कुल स्वादिष्ट मज़ेदार लगता ही है। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों सेकने का तरीका बहुत ही आसान है, तो मैंने पहले भी एक आपको सेक के दिखा दिया था, बस मैं आपको इसको एक बार टर्न करके दिखा देती हूँ, और कैसे कट लगाना है वो भी मैंने आप सबको दिखाया था। देखिए बस मैं यहीं पे लाइव वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आप सब मेरी रेसिपी को अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों घर वालों के साथ जरूर शेयर करना, और अपना फीडबैक जरूर देना कि आप सबको कैसी लगी मेरी मुंगलेट की रेसिपी। तो चलिए दोस्तों जरूर बना के ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। गर्मा गर्म सर्दियों में आप ये कुरकुरा करारा मुंगलेट जरूर बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कि आप सबको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों आप सबसे फिर मुलाकात होगी। रंजना जी लिख रही हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं, थैंक यू। पूनम जी नाइस लिख रही हैं, निशा जी वाव लिख रही हैं, निशा जी पूछते हैं और क्या बन रहा है। तो निशा जी मैंने यहाँ पे मुंगलेट की रेसिपी दी हुई है, अब मैं लाइव वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। आप सारी वीडियो को फिर से दोबारा से जो कमेंट जब ख़त्म हो जाएगी लाइव रेसिपी तो आप फिर से देख सकते हो। रूबी जी हेलो आपको, तो थैंक यू सो मच दोस्तों आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं आप सबसे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जाते जाते प्लीज़ पेज पे नए हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा।